नमस्कार साथियों, जो लोग बिहार STET का पेपर देने वाले हैं, कंप्यूटर साइंस का पेपर, उनको मैं कहूंगा कि आप 30 क्वेश्चन का ये सेट है, आपको चैलेंज है कि आप इसमें 25 या उससे ऊपर करके दिखाओ। अगर आपने 30 में से 25 या उससे ऊपर कर दिया तो भैया आपकी सीट तो पक्की है, ठीक है। जो लोग 20 या उससे ऊपर कर लेते हैं उनका भी मैं कहता हूँ बहुत अच्छा चांस है, लेकिन जो लोग 20 से भी नीचे चले जाते हैं उनको मैं कहूँगा भैया तैयारी कच्ची है, थोड़ा कॉन्सेप्ट में जाइए, फिर से थोड़ा फिर से पढ़िए और फिर वापस आइए एग्ज़ाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चन है, सबका जवाब मैं साथ साथ बताता जाऊँगा, आपका जो भी स्कोर आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। पहला सवाल है कि इन C++ वी कैन यूज़ द सेम फंक्शन नेम टू क्रिएट फंक्शन, सेम फंक्शन नेम टू क्रिएट फंक्शन डेट परफॉर्म्स वैरायटी ऑफ टास्क, तो उसको क्या कहेंगे? ग्लोबल फंक्शन, फंक्शन ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, ऑल ऑफ एवर। ये टर्मिनोलॉजी का सारा खेल है, मुझे नहीं लगता कि C++ का कोई प्रोग्राम देगा वहाँ पे। आपको टर्म्स पता होना चाहिए, इनहेरिटेंस क्या होता है। इसका सही जवाब है 1 का B। मैं जल्दी जल्दी आंसर बताता जाता हूँ क्योंकि फिर नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। इसका सही जवाब है फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है जी। अगले सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल, ट्रैप आपने सुना होगा, TRAP। ट्रैप क्या हो? ट्रैप इंटरप्ट इज मास्केबल, नॉन मास्केबल, वेक्टर इंटरप्ट, बोथ B and C और नॉन। इसका सही जवाब है ट्रैप जो होता है वो नॉन मास्केबल होता है। ये एक आसान सवाल है और बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में। मैं हर एक टर्म को चाहूँ तो एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ ट्रैप क्या होता है कैसे नहीं होता है, लेकिन अगर एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो 1 घंटा से ऊपर का वीडियो चला जाएगा, इसे छोटा रखने के लिए मैं जल्दी जल्दी निकल रहा हूँ। C++ डेवलप्ड बाई होम, C++ किसने बनाया? डेनिस ने, बजारना ने, टर्नी बॉम ने, मिलन ने। अब बताइए इसका सही जवाब क्या है। कुछ मैंने आसान सवाल रखे या कुछ थोड़ा सा मतलब मिडिल लेवल का डिफ़िकल्टी है, मॉडरेट लेवल का है, तो इसमें इसका सही जवाब होगा 3 का B, बजारने। इफ़ ए स्टैक इज एम्प्टी देन पॉप विल अंडरफ्लो, ओवरफ्लो, बोथ, अबव, नन ऑफ दीज। ये भी आसान सवाल है, इसका सही जवाब होगा अंडरफ्लो, ए। पांचवें सवाल पर चलते हैं। विच स्कीम इज यूज फॉर मैपिंग होस्ट नेम्स एंड ईमेल डेस्टिनेशंस टू आईपी एड्रेस, ठीक है, होस्ट नेम एंड ईमेल डेस्टिनेशंस टू आईपी एड्रेस। सभी ऑप्शन आपके सामने, इसका सही जवाब है DNS, डोमेन नेम सर्वर जो होता है, 5 का A। एसिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्लूड एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ऑल ऑफ अबव। देखिए एसिड प्रॉपर्टी ऑल ऑफ एबव होगा, इसका D आंसर होगा और D का मतलब ड्यूरेबिलिटी होता है। सातवें सवाल पर चलते हैं। द वैल्यू फॉर विच यू आर सर्चिंग इज कॉल्ड बाइनरी वैल्यू, की वैल्यू, सर्च आर्ग्यूमेंट या सीरियल आर्ग्यूमेंट। सातवां सवाल और इसका सही जवाब है, अपनी साइड पर आप नोट डाउन करते जाइएगा, इसका सही जवाब है सर्च आर्ग्यूमेंट। आठवें सवाल पर चलते हैं। विच लैंग्वेज इज यूज फॉर रियल टाइम सिस्टम में जो काम करता है जो भी मशीन, उसके लिए कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं? कल बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोलॉग नाम का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, उसका यूज होता है। अब रियल टाइम का बात हो रहा है, रियल टाइम में C++ यूज होगा, आजकल के टाइम पे रियल टाइम में C++ ही चलता है ज़्यादा। नवा सवाल आपके सामने। द बेस्ट एडिक्यूट नॉर्मल फॉर्म इज 2NF, 3NF, 4NF, BCNF। इसका सही जवाब दीजिए, इसका सही जवाब है नौवें सवाल का सही जवाब है B, 3NF। 3NF आज तक अगर हो गया तो वो एडिक्यूट नॉर्मल फॉर्म माना जाता है, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। दसवां सवाल आज का। वन नेटवर्क इज कनेक्टेड टू अनदर नेटवर्क थ्रू, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं किसके थ्रू? नेटवर्किंग, गेटवे, लैन, मैन। इसका सही जवाब होगा गेटवे, ठीक है। 10 का आंसर होगा गेटवे, गेटवे से एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं। 11वां सवाल देखिए। एंटिटी एट्रीब्यूट आपने पढ़ा होगा, सभी ऑप्शन देखिए और इसका मैं सीधा जवाब बोल दूंगा क्योंकि थोड़ा लेंदी है इसका ऑप्शन। इसका जवाब होगा 11 का C, मे बी रिलेटेड विथ मेनी अदर एंटिटीज। 12वां देखिए। टू कंस्ट्रक्ट ए पास ट्री फ्रॉम लीव्स टू रूट,
कौन सा पार्सर चाहिए, लीफ रूट डाउन, टॉप डाउन, बॉटम अप पार्सर, ऑल अब? लीव टू रूट पार्सर, पार्स ट्री की बात हो रही है। इसका सही जवाब होगा बॉटम अप पार्सर, 12 का सी आंसर होगा। थोड़ा सा मैं पाउज ले रहा हूँ बीच में कि आप सोच सकें। 13वां सवाल, इन वेक्टर इंटरप्ट ब्रांच, अभी आप सभी ऑप्शन जल्दी जल्दी पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए, मैं सीधा इसका ऑप्शन नंबर बता दूंगा आपको। इसका सही जवाब होगा 13 का बी सही जवाब होगा, ठीक है। इंटरप्टिंग सोर्स सप्लाईज ब्रांच इंफॉर्मेशन टू प्रोसेसर थ्रू इंटरप्ट वेक्टर, ठीक है। आपने इंटरप्ट हो सकता है कि जिन लोगों ने तैयारी के लिए गंभीर हैं, जिन लोगों ने सीरियस तैयारी की है उनको ये सब चीज़ हो सकता है मालूम होगा कि इंटरप्ट क्या होता है, क्या नहीं होता और कैसे फंक्शन करता है। 14वां सवाल देखिए, 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, सबसे जल्दी जहाँ तक एक्सेस हो सकता है वो कौन सी मेमोरी है? कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी या रैम? इसका सही जवाब है कैश मेमोरी, ठीक है। 14th का सही जवाब है कैश मेमोरी। नमस्कार साथियों, 15वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 15वां, टू ओवरकम डिफिकल्टीज ऑफ रेस राउंड कंडीशन विच फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड, सही जवाब दीजिए। देखिए मैं, आप अपनी साइट पर नोट डाउन करते रहिए आप कितना सही हो रहा है, जो भी सही हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 15वां का जो सही जवाब होगा वो डी होगा, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूज हो जाता है। और रेस राउंड कंडीशन जो होती है वो क्या कंडीशन होती है वो आपको मालूम होना चाहिए। स्टोरेज क्लास डिफाइंस व्हाट, डेटा टाइप है स्कोप, स्कोप एंड परफॉर्मेंस, स्कोप परफॉर्मेंस एंड डेटा टाइप। स्टोरेज क्लास किसको डिफाइन करता है? इसका आंसर है सी। 17वें सवाल पर चलते हैं, 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सभी को पढ़िए ऑप्शन को, सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है 17वां का, ऑल एबव, ठीक है। आपको टेस्टिंग के बारे में मालूम रहना चाहिए क्योंकि मैंने थोड़े दिन टेस्टिंग पे काम किया है, इसलिए एक तो आप जो टर्मिनोलॉजी है इसका, ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, ग्लास बॉक्स, यूनिट टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, ये जो जितने भी टर्म्स होते हैं उसको आप पढ़ जाइए। कुछ एक टूल याद कर लीजिए, जैसे जो ऑटोमेशन के टूल्स होते हैं QTP, लोड रनर वगैरह के नाम आपको याद होने चाहिए, तो टेस्टिंग में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता। बस कुछ टर्म है, 15-20 टर्म है, उसी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। 18वां सवाल, व्हाट इज़ SEO? SEO करके लोगों ने खूब पैसे कमाए हैं क्योंकि SEO मार्केटिंग वाली चीज़ है। SEO का सही जवाब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है जैसे वेबसाइट या मोबाइल ऐप को, रैंक को जब हम गूगल में या गूगल प्ले स्टोर में जब ऊपर करने की कोशिश करते हैं, वही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। 19th क्वेश्चन देखिए, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो रेफर्ड एज, इसका सही जवाब है पल्स ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। 20वें सवाल पर चलते हैं, व्हाट इज DMA? टर्म्स का देखिए, एटलीस्ट मुझे लगता है कि जो अभी पीछे देखा गया है कि जो बैंक के जो मेन पेपर होता है, मतलब IBPS PO का क्लर्क का जो पेपर होता है कंप्यूटर साइंस वाला, उसमें इन लोगों ने फुल फॉर्म कई सारे हर साल पूछना होता है, और ऐसे भी कंप्यूटर साइंस के बेस पर जो भी पेपर होता है उसमें फुल फॉर्म आता ही है। तो मैं फुल फॉर्म के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, अगर उसमें शॉर्ट टर्म डाल दिए फुल फॉर्म के तो वो आपके लिए बहुत काम करेगा। तो DMA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। 21वें सवाल पर चलते हैं, व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ ER डायग्राम, यहाँ भी फुल फॉर्म वाला ही हाल समझिए, ER डायग्राम का क्या मतलब है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इसका सही जवाब होगा, 21st का ए। 22वें पर चलते हैं, CIDR का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका सही जवाब होगा क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है। एक मैं वीडियो बनाऊंगा इसमें, उसमें सिर्फ मैं फुल फॉर्म ही डाल दूंगा, एटलीस्ट अगर उसमें शॉर्ट टर्म डाल दिए तो उसी में से कुछ ना कुछ आने का चांस रहेगा, दो चार करने से कोई फायदा नहीं। 23वां सवाल देखिए, प्रोग्राम डेट प्लेसिस प्रोग्राम्स इनटू मेन मेमोरी एंड स्टार्ट एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, ये बहुत ही आसान सवाल है, इज कॉल्ड लोडर, 23 का सी आंसर होगा। 24वें सवाल पर चलते हैं, सॉकेट्स आर यूज इन फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। TCP/IP अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसका सही जवाब होगा ट्रांसपोर्ट लेयर,
24 का सही जवाब होगा डी, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, सेमीकंडक्टर सर, सेमीकंडक्टर क्या होता है? मेटल हाइड्राइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल हाइड्राइड। इसका सही जवाब होगा वो मेटल ऑक्साइड रहता है, सेमीकंडक्टर मेटल ऑक्साइड होता है। 26वां सवाल देखिए, डेप्थ फर्स्ट सर्च इज स्टैक क्यू लिंक्ड लिस्ट ट्री सर्च, डेप्थ फर्स्ट की बात हो रही है। इसका सही जवाब है ट्री सर्च। 27वां सवाल देखते हैं, 30 सवाल है, आपका जितना भी स्कोर होता है आप लिखिए जरूर, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बोलिए कमेंट बॉक्स में, हम आगे भी डेली बेसिस पर वीडियो बना देंगे, पर रिस्पांस नहीं आता लोगों का, इसलिए जब मुझे टाइम थोड़ा फ्री रहते तभी बनाते। 27वां सवाल देखिए, एडवांटेज ऑफ सी मॉस ओवर मॉस, आपने सी मॉस सुना होगा, सी मॉस बैटरी होती है लैपटॉप में, सी मॉस ओवर मॉस इस क्या, MOS क्या है, लोअर पावर डिसिप्शन, ग्रेटर स्पीड, स्मॉलर चिप साइज, फ्यूअर मास ऑफ फैब्रिकेशन। इसका सही जवाब है लोअर पावर डिसिपेशन। 28वें सवाल पे चलते हैं, SSL स्टैंड्स फॉर, वेबसाइट में आपने पेमेंट किया होगा ऑनलाइन तो वहां पर SSL काम करता है। इसका सही जवाब है, आपने ऑप्शन से भी देख लिया होगा, सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। 29th क्वेश्चन, इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर और 2019, ठीक है जी, कौन सा है? अभी हाल में ही लॉन्च हुआ है, ऑप्शन सभी आपके सामने हैं। इसका सही जवाब होगा परम शिवाय, 29th का सही जवाब है ए। आखिरी क्वेश्चन, CVV का मतलब क्या है? CVV जो कार्ड में होता है, 3 डिजिट का नंबर, उसकी बात हो रही है। इसका सही जवाब है बी, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ठीक है जी, कुल हमारे 30 सवाल हो गए, अब 30 में से जितना भी आपका सही होता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपको इस तरह की डेली बेसिस पर सेट चाहिए वो भी लिखिए, क्योंकि रिक्वेस्ट नहीं आ रहा था लोगों से, इसलिए नहीं तो मैं डेली इस तरह की सेट बना दूँ। और इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए फेसबुक में, व्हाट्सएप में, जो भी आपके कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में। ठीक है, थैंक यू, बाकी STET की कोई भी जानकारी होगी हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।